दांत खाज और खुजली को जड़ से खत्म करने के रामबाण उपचार जानिए प्रयोग करने की विधि। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल ब्यूटी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। दांत खाज और खुजली बहुत तेजी से चल रही है। अगर इन समस्याओं को छोटा समझ कर आपने ध्यान नहीं दिया तो यही समस्या भयंकर रूप धारण कर कई त्वचा रोग पैदा कर देती है। इसलिए इन समस्याओं के शुरुआती दौर में इनका उपचार अति उत्तम रहता है। इसके शुरुआती लक्षणों में लाल रंग के हल्के हल्के दाने निकलते हैं और खुजलाने पर जलन पैदा करते हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो सही एक्जिमा जैसे रोग पैदा कर देते हैं। दाद की समस्या भी इन्हीं से उत्पन्न हो जाती है और आगे चलकर इसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दाद एक तरह के फंगल से पैदा होता है। दोस्तों, अनार के पत्तों को पीसकर लगाने से दाद खुजली जड़ से खत्म हो जाती है और इसके बाद पुनः नहीं होती है। गाजर को घिसकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर खुजली वाले स्थान पर लगाने से खुजली ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कच्चे आलू के रस का सेवन करते हैं तो दाद खाज खुजली आपके पास नहीं आ सकती है और अगर है तो कुछ समय में ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सूखे सिंघाड़े को नींबू के रस में मिलाकर दाद खाज खुजली पर लगाने पर पहले तो थोड़ी जलन होगी किंतु दाद खाज खुजली को जड़ से मिटा देगी। दोस्तों, ये उपचार है जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और दाद खाज खुजली जड़ से मिटा देंगे।